हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन राइस की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चावल रखा है, चावल उबलने तक मैंने इमली भिजा के रखा है। ये इमली मतलब जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब खट्टा खाएंगे कि थोड़ा खट्टा खाएंगे उसके मुताबिक। और ये मूंगफली, चना दाल, काजू बादाम, बादाम, ड्राई चिल्ली, चिल्ली सब, करिया पत्ता सब होने के बाद यहाँ पे खाना राइस बॉईल हो रहा है। उतना में हम लोग ये हल्दी डालेंगे उसमें, राइस में हल्दी डालने से राइस पूरा पीला कलर का हो जाएगा। मतलब आधा बॉईल होने के बाद आप हल्दी डालिए, साथे साथ मत डाल दीजिए हल्दी। साथे साथ डालने से जल्दी कुक नहीं होगा और नरम भी हो जाएगा। आधा बॉईल होने के बाद हल्दी डाल के अब उसको खाना पसार के एक पैन रख के उसमें ऑयल डालिए। उसके बाद ऑयल हीट होने के बाद काजू बादाम पहले फ्राई कर लीजिए, क्योंकि वो जल्दी काला हो जाता है। देखिए मेरा थोड़ा सा हो भी गया, उसको फ्राई करके निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद उसी तेल में आप सब चीज़ को फ्राई करना, और इसमें राई, जीरा वो सब भी रहने से अच्छा लगेगा। प्रेजेंट मेरे पास नहीं था, जितना है उसी से बनाई हूँ। और ये चना दाल और मूंगफली दोनों को भी फ्राई करना, ब्लैक नहीं करना है। लेमन राइस में टेस्टी ये होता है कि फुल ब्लैक नहीं करना है, उसको ज़रा ज़रा मतलब क्रंची जैसा रखने से अच्छा लगेगा। मिर्चा और अदरक छोटे टुकड़े मैंने काटे हैं, अदरक को सबको अच्छा से फ्राई करना है। ब्लैक कलर का मगर नहीं होना है, थोड़ा सा लो फ्लेम में आस्ते आस्ते फ्राई करना है वो सबको। फ्राई करने के बाद करी पत्ता थोड़ा सा, इसमें जीरा, राई वो सब भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। उसके बाद इमली जो भिगा के रखा हो उसमें से पल्प पूरा निकाल देना है, इमली का पानी अलग कर देना है। ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा डालिए, क्योंकि वो पूरा सामने होने तक बहुत देर लगेगा। उसके बाद ऑयल रखे, उसके बाद फिर से इमली का पानी उसमें डालना है। अगर आप राइस बनाते समय तेल डालना, सॉरी हल्दी डालना आप अगर भूल गए, तो इस इमली का पानी में आप हल्दी डाल सकते हैं। और लेमन राइस के टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट भी आपको इसी इमली के पानी में डालना पड़ेगा। सॉल्ट और हल्दी भी आप भूल जाने से यहाँ पे डाल सकते हैं, आप पहले मतलब राइस में अगर भूल गए तो सेम एज इट इज़ टेस्ट और एज इट कलर भी आ जाएगा। मैं ज़्यादातर इसी में डालती हूँ भूल जाती हूँ तो। उसके बाद उसको पूरा सामने होना है, जैसे हम लोग गुड़ का ये नहीं बनाते हैं जो सामने होता है पूरा, उतना ज़्यादा सामने हो जाना है बॉयल होके। अच्छा से मिलाना है नहीं तो नीचे लग जाएगा पूरा सामने होने तक। आप इमली टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, मतलब एक नींबू का साइज़ तो हो जाएगा, और वो पूरा सामने होने तक, इतना ज़्यादा सामने होना पूरा तेल बाहर आ जाना चाहिए। वो तेल भी लेमन राइस में डाल देंगे, और तेल भी डालने से लेमन राइस का टेस्ट आता है। लेमन राइस सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, ज़रा ऑयल ऑयल लगने से ही टेस्ट आता है। और पूरा तेल से अभी जो फ्राई किए हैं ना वो सब एक बर्तन में डाले हैं, उसके ऊपर लेमन राइस, वही हल्दी वाला राइस पूरा अच्छे से उसमें डाल देंगे। पूरा फैन के पास कीजिएगा, वो नरम राइस नहीं होगा, मतलब खिला खिला रहने से अच्छा रहेगा, उसे नरम रहने से अच्छा नहीं लगेगा। उसे अच्छा से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें सूट करना भूल गई, एक ठो लेमन भी मैंने डाला था इसके ऊपर से, मतलब अभी लेमन एक ठो डाल के मिक्स करना है
कुक करते समय नहीं, उसके बाद वो इमली का पानी है ना, वो इमली का मतलब बनाए थे उसे पूरा उसमें डालना है, वो तेल और इमली का पूरा पूरा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने से लेमन राइस रेडी, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल एंड टेस्टी। मतलब वो पूरा मिलने तक एक भी मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना, कहीं भी छूट गया तो वहाँ पे टेस्ट थोड़ा सा कम लगेगा, मतलब नमक नहीं लगा। अगर नमक कम होने से अभी ऊपर से भी हम लोग डाल सकते हैं, गरम गरम रहता है तो वो नमक को मिक्स हो जाता है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बन गया, मैंने बॉक्स लगा दिया मेरे हस्बैंड को बॉक्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैं आज पूरा करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेस्ट के साथ है, आप पेस्ट का रिक्वेस्ट बहुत दिन से कर रहे थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, देखिए पूरा ब्लैक हो गया। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और पाउडरी था, क्रंच एकदम नहीं था। मैंने इसको मतलब पेस्ट में डिप करके रखा इसलिए आधा, और टेस्टी स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था, చాలా బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది. నేను పేస్ట్లో కొంచెం ఉంచడం వల్ల క్రంచ్ అస్సలు లేదు, సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఎక్కడ మళ్ళీ మీరే రెండు పాటలు ఏ ఇప్పుడు నేను నా మూడు